बारिशों का मौसम बड़ा प्यारा मौसम होता है, बट इस मौसम में क्या होता है कि हमें पसीना बहुत ज्यादा आता है, की वजह से हमारे बाल बहुत हार्ड हो जाते हैं, बालों में ड्राइनेस हो जाती है और बालों में फ्रिज आ जाता है, मतलब हमारे बाल एकदम उड़े उड़े रहते हैं। तो इस मौसम में हमें हेयर स्पा की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए हम पार्लर जाते हैं। अब आप पार्लर जाओगे तो अच्छा प्रोडक्ट भी काम में लोगे, अपने बालों की बात है तो 1000 से 1500 रुपए तो हमें पार्लर में देने ही पड़ेंगे, ये तो मिनिमम रेट बता रही हूँ मैं आपको। तो जो लोग नेचुरल रेमेडीज में बिलीव करते हैं और अपना इतना खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो आज की रेमेडी आप लोगों के लिए है। ये रेमेडी एकदम नेचुरल है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसके रिजल्ट एकदम सुपर, आपको बिल्कुल पार्लर जैसे रिजल्ट मिलेंगे, हो सकता है इससे बेस्ट भी मिले। तो जल्दी से आइए हम रेमेडी को देखते हैं। नमस्ते, मैं हूँ शालिनी, वेलकम टू माय चैनल, आओ खूबसूरती निखारते हैं। बालों की क्रीम रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बीट रूट का इस्तेमाल किया है, जिसे हम चुकंदर बोलते हैं। बड़ा ही अच्छा है ये बालों के लिए भी और हेल्थ के लिए भी, इसका रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए आपको खाने में भी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ बीट रूट का जूस चाहिए, उसके लिए मैंने एक बीट रूट लिया, उसे पील करके छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। बीट रूट का बालों में इस्तेमाल करने से बहुत ही फायदे होते हैं, बीट रूट के अंदर विटामिन की मात्रा बहुत गजब की होती है, ये हमारे बालों को स्मूथ बनाता है और शाइनियर बनाता है। बीट रूट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जी हाँ, ये स्कैल्प पे जो फ्री रेडिकल्स आते हैं उन्हें रिमूव करता है, और बीट रूट का रेगुलर इस्तेमाल करने से बालों में नेचुरल कलर भी आ जाता है, जी हाँ, यूज करके जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे मैंने 1 इंची जिंजर का टुकड़ा लिया है, उसे छील के छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अदरक भी बालों के लिए बड़ी कमाल की चीज है, अदरक के अंदर एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, ये बालों की जड़ों को एकदम मजबूत बनाती है, बालों के झड़ने को रोकती है। और अगर अदरक का हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो जिन लोगों को स्कैल्प पे इन्फेक्शन होता है, रेडनेस हो जाती है, खुजली होती है, वैसे भी अभी पसीने बहुत आते हैं, गर्मी इतनी है तो काफ़ी खुजली रहती है बहुत से लोगों को, और डैंड्रफ की परेशानी भी हो जाती है, इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से ये सारी परेशानियां दूर हो जाती है, बिल्कुल एकदम बेस्ट है ये बालों में अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ मैंने रोज वाटर ऐड कर दिया है, 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ रोज वाटर डाला है, आप थोड़ी क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमें इसका स्मूथ सा पेस्ट चाहिए, मुझे इसका जूस चाहिए तो मुझे इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद मैं इसे छान लूंगी, आप छानने के लिए कॉटन का कपड़ा काम में ले लीजिए या छलनी, जो आपको अच्छा लगे आप यूज कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, कोई भी रेमेडी आपकी मिस नहीं होगी। अब देखिए छानने के बाद कितना प्यारा कलर आया है इसका, ये कलर ही मुझे इतना अट्रैक्ट करता है। तो सोच के देखिए जब ये हमारे बालों में जाएगा, हम इसे बालों में अप्लाई करेंगे तो कितना गजब का रिजल्ट देगा, तो मेरी बात मान के जरूर देखिएगा, इस रेमेडी को आप प्रिपेयर कीजिए और अप्लाई करके देखिए, और इसके रिजल्ट्स आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिला है, ये रेमेडी आप लोगों को कितनी पसंद आई है। अब इस रेमेडी को बेहतरीन बनाने के लिए, हमें ये बढ़िया रिजल्ट दे, तो इसके लिए मैंने यहाँ 3 विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड कर दिए हैं। विटामिन ई बालों के लिए बहुत ही गजब का रहता है, ये बालों के साथ साथ स्किन के लिए भी बेनिफिशियल है। विटामिन ई का इस्तेमाल करने से ये बालों में नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और जो बाल डैमेज हो जाते हैं उनको ये रिपेयर करने का काम करता है। जरूरी नहीं है कि विटामिन ई हम रेमेडी में ही यूज करें, कि कभी कोई रेमेडी कर रहे हैं तो ही हम काम में लें, इसका इस्तेमाल आप जब ऑयलिंग करते हैं तब आप कर सकते हैं, जो भी ऑयल आप लगा रहे हैं उसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स डाल दीजिए और फिर अपने बालों में आप लगाइए। अब इसके अंदर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल और 4 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर दिया है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एलोवेरा के अंदर हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती है, इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से ये बालों में हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, और जो बालों में फ्रिज आ जाता है उसे ये कंट्रोल करने में काफी हेल्प करता है।
अब इसे आप जब मिक्स करेंगे तो हो सकता है कि आपका ये थोड़ा लिक्विडी फॉर्म भी आए। वो इसलिए होगा कि बीटरूट किसी का बड़ा साइज होता है, किसी का छोटा साइज होता है, किसी का मीडियम। तो घबराइएगा नहीं, जब आपको लग रहा है कि ज्यादा लिक्विडी बन रहा है तो आप इसमें एलोवेरा जेल और ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप 2 से 3 मिनट इसे मिक्स करेंगे तो क्या बढ़िया क्रीमी फॉर्म आ जाएगा, जैसा मेरा आया है। ये हमारी क्रीम बनके रेडी हो गई है। क्या बढ़िया क्रीम बनी है, एकदम नेचुरल क्रीम है, इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं हुआ है। और सबसे बढ़िया बात, इसके अंदर कोई केमिकल भी नहीं है कि हमें ये कोई नुकसान दे। अब हमें इसे बालों में अप्लाई करना है। तो स्टेप नंबर 1 है कि बाल आपके एकदम क्लीन होने चाहिए। तो उसके लिए आप अच्छे से बालों में ऑयलिंग कीजिए और ऑयल करने के तुरंत बाद आप शैम्पू कर लीजिए। ये वाला स्टेप मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया था क्योंकि मुझे शूट करना था और ये क्रीम अप्लाई करनी थी, तो मैंने यहाँ शूट नहीं किया है, आपको दिखाया नहीं है ऑयलिंग करते हुए, बट ये फर्स्ट स्टेप मैं कर चुकी हूँ। अभी मेरे बाल एकदम क्लीन है, ये क्रीम अपने बालों में लगाने के लिए एकदम मेरे बाल तैयार है। सेकेंड स्टेप है कि आप अपने बालों में इसे अप्लाई कर लीजिए, सेक्शन में डिवाइड करते हुए अच्छे से अपने बालों की लेंथ में अप्लाई कीजिए, रूट्स में अप्लाई कीजिए। उसके बाद आप अपने बालों को टाई कर लीजिए और 1 घंटे के लिए अपने बालों में रहने दीजिए इसे, क्योंकि ये नेचुरल रेमेडी है, कोई केमिकल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमें फटाफट इसे धोना है, आप आराम से 1 घंटा रखिए। इन केस आपको जल्दी है, कहीं जाना है, तो आप इसको 30 से 35 मिनट तो बालों में रहने दीजिए, देन उसके बाद आप बालों को वॉश कर लीजिए। बट कोशिश कीजिएगा इसे टाइम लेके करिए, 1 घंटे तो हमारे बालों में रहना चाहिए जिससे हमें खूब ही बढ़िया रिजल्ट मिले। उसके बाद आप इसे वॉश कर लीजिए प्लेन वाटर से। देन हमें सिरम का इस्तेमाल करना है, तो जो भी आप सिरम काम में लेते हैं वो आप अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद देखिएगा आपको कितना गजब का रिजल्ट मिलेगा, कितने खूबसूरत आपके बाल मिलेंगे। आपके बाल जब ड्राई होंगे और आप जब कॉम करोगे तो अपने बालों को देखिएगा, बालों में से हाथ हटाने का मन नहीं करेगा, आपके बाल इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, हाइड्रेट हो जाएंगे और शाइनी लगने लगेंगे। जी हाँ, एक के इस्तेमाल से आपको इसका इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके बालों का टेक्सचर काफी अच्छा हो जाएगा, आपको पार्लर में जल्दी से जाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। मैं मना नहीं करती कि आपको पार्लर में नहीं जाना है, आप पार्लर में भी करवाइए जाके, वो भी जरूरी है, दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए कि आप नेचुरल रेमेडीज भी जब करने की रिक्वायरमेंट हो तो करें, और जब आपको पार्लर में जाना है तो आप पार्लर में जाइए, मजे से करवाइए। पार्लर में हम कम से कम 2 से 3 महीने बाद जाते हैं, बट नेचुरल रेमेडीज का यही फायदा है कि इसको हम रेगुलर यूज कर सकते हैं। इस रेमेडी को आप एवरी 15 डेज में रिपीट कर सकते हैं और अपने बालों में खूबसूरत रिजल्ट पा सकते हैं। इसका इस्तेमाल करते रहने से देखिएगा आपके बालों में बहुत अच्छी शाइन आएगी, जो आपके बालों का टेक्सचर अभी है से अप्लाई करने के बाद देखिएगा कितना फाइनेस्ट हो जाएगा, और डे बाय डे आप देखिएगा कि आपके बालों की ग्रोथ भी होने लगेगी। ये काफी हेल्पफुल रहता है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप लोगों को ये रेमेडी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, पड़ोसियों के साथ, सबके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके इसके रिजल्ट मेरे साथ शेयर कीजिए। Keep applying, keep shining, have a nice day, bye bye.